जय श्री लक्ष्मी गणेश जी की जय। भक्त जनों, दीपों का उत्सव यानी कि दीपावली का त्योहार हम सभी के जीवन को प्रकाशमान बनाता है। इस पर्व की महिमा और इससे जुड़ी कथा का वर्णन अब मैं करने जा रही हूँ इस कथा के माध्यम से। आज सभी को दीपावली की कथा सुनाते हैं, किसकी महिमा बताते हैं, क्यों इस शुभ दिन में भक्तों सब घर अपने सजाते हैं। हम ये बतलाते हैं, श्री राम सिया के आने से सब खुशी जताते हैं, दर पे दिए जलाते हैं, श्री गणपति जी माँ लक्ष्मी को सब मिलके ध्याते हैं, उन्हें घर में बुलाते हैं। जय लक्ष्मी जय हो गणेश, हर घर में करे प्रवेश, धन सुख वैभव दे कर दूर कर दे सारे कलेश। त्योहार से जुड़ी कई कथाएं हमारे ग्रंथों में वर्णित हैं, जैसे कि 14 वर्ष वनवास काटने के पश्चात श्री राम जी एवं माता सीता जी की वापसी से प्रसन्न लोगों ने अपने अपने घरों में दिए जलाए, तब से दिवाली मनाई जाने लगी। जबकि कुछ ग्रंथों के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने की परंपरा आरंभ हो गई। कई कथाएं शास्त्रों में वर्णित दिवाली की, पहली वजह श्री राम कहां इस खुशहाली की। लंका में जब की थी चढ़ाई सीता हरण के बाद, रावण की सेना को प्रभु ने पल में किया परास्त। 14 वर्ष के श्री राम सिया लखन के साथ झूमी अयोध्या नगरी, हर गली गूंज घंट घड़ियाल, तब से घर घर दीपक जलते इस दिन हर एक साल। इसीलिए दीपावली का हम पर्व मनाते हैं, दर पर दिए जलाते हैं, श्री गणपति जी माँ लक्ष्मी को सब मिलके ध्याते हैं, उन्हें घर में बुलाते हैं। जय लक्ष्मी जय हो गणेश, हर घर में करे प्रवेश, धन सुख वैभव दे कर दूर कर दे सारे कलेश। दूर हो जाते हैं, दर पर दिए जलाते हैं, श्री गणपति जी माँ लक्ष्मी को सब मिलके ध्याते हैं, उन्हें घर में बुलाते हैं। जय लक्ष्मी जय हो गणेश, हर घर में करे प्रवेश, धन सुख वैभव दे कर दूर कर दे सारे कलेश। Thank you.
भक्त जनों, जब घर में धन की देवी लक्ष्मी की आराधना हो तो शुभ लाभ प्रदाता श्री गणेश जी की पूजा से शुभ दिन का शुभ आरंभ ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए श्री लक्ष्मी गणेश जी की पूजा अनिवार्य मानी जाती है। ये त्योहार प्रत्येक वर्ष किस दिन आता है और इस त्योहार को मनाने की विधि क्या है, आइए आगे सुनाती हूँ इस कथा के माध्यम से। कार्तिक अमावस मास में आता दीपोत्सव त्योहार, इस दिन का बच्चे क्या बूढ़े सब करे इंतजार। साफ सफाई करके घर रंग रोगन करते हैं, चम चम करते सारे शिकवे गिले हम गले मिलाते हैं, दर पे दिए जलाते हैं, श्री गणपति जी माँ लक्ष्मी को सब मिलके ध्याते हैं, उन्हें घर में बुलाते हैं। जय लक्ष्मी जय हो गणेश, हर घर में करे प्रवेश, धन सुख वैभव दे कर दूर कर दे सारे कलेश। शीश नवाते हैं प्रभु को, शीश नवाते हैं, श्री गणपति जी माँ लक्ष्मी को सब मिलके ध्याते हैं, उन्हें घर में बुलाते हैं। जय लक्ष्मी जय हो गणेश, हर घर में करे प्रवेश, धन सुख वैभव दे कर दूर कर दे सारे कलेश। जनों, प्रत्येक पूजा का फल तभी मिलता है जब उसे पूर्ण विधि से किया जाए। इसीलिए अब मैं आगे आपको पूजन विधि बताने जा रही हूँ इस कथा के माध्यम से। बैठ कुशा के आसन पर माँ लक्ष्मी पूजते हैं, मैया जी के वंदना 16 क्रियाओं से करते हैं, मस्तक पर हल्दी कुमकुम और चावल लगाते हैं, माँ लक्ष्मी को फूलों का फिर हार पहनाते हैं, मूरत के आगे घी का छोटा दीप जलाते हैं, भक्ति भाव से लक्ष्मी गणेश को भोग लगाते हैं, पूजन के पश्चात खड़े हो आरती गाते हैं, से हम उन्हें मनाते हैं। जो प्राणी ऐसा करते कभी दुख ना पाते हैं, प्रभु की कृपा पाते हैं, श्री गणपति जी माँ लक्ष्मी को सब मिलके ध्याते हैं, उन्हें घर में बुलाते हैं। जय लक्ष्मी जय हो गणेश,
के सारे कले। हम आज सभी को दीपावली की कथा सुनाते हैं, किसकी महिमा बताते हैं, क्यों इस शुभ दिन में भक्तों सब घर अपने सजाते हैं। हम ये बतलाते हैं श्री राम सिया के आने से सब खुशी जताते हैं, दर पे दिए जलाते हैं, श्री गणपति जी माँ लक्ष्मी को सब मिलके ध्याते हैं, उन्हें घर में बुलाते हैं। जय लक्ष्मी जय हो गणेश, हर घर में करे प्रवेश, धन सुख वैभव दे कर दूर कर दे सारे कलेश। माँ तू लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर, पुर बहु मेरी आस। हाथ जोड़ विनती करूं, यही मोर अरदास, जय जननी जगदम्बिका सब विधि
जयति जयति जय लक्ष्मी। करो शत्रु का नाश, रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर, मातु लक्ष्मी दास पर करहु दया की को। घर में तुम रहती सब सदगुण आती,
हर विष्णु धाम।